दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या की हद से ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग के उड़े होश। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। ऐसे में उनकी खतरनाक गेंदबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग के होश उड़ गए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने हार्दिक पांड्या की जबरदस्त गेंदबाजी को देखकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार हार्दिक पांड्या की तूफानी गेंदबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल में कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या ने तीन ओवर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तीन महान बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए सभी को अपना दीवाना बनाया। दरअसल भारत को पहली सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाई। उन्होंने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। हेड 31 गेंदों पर 33 रन बनाकर कुलदीप यादव को कैच थमा बैठे। उन्होंने मिचेल मार्श के साथ पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका भी हार्दिक पांड्या ने दिया। उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया। स्मिथ का कैच विकेट के पीछे केएल राहुल ने लिया, वह खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या जब अपना तीसरा ओवर लगाने के लिए आए तो उन्होंने मार्श को अर्धशतक लगाने से रोक दिया और 45 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अंतिम मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया है कि वह भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए हमेशा से बेहतरीन गेंदबाजी की है। उन्होंने भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी मजबूती प्रदान की है और इसी तरीके से यहां पर उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना लिया है। हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया है कि वह भारतीय टीम के लिए सबसे मजबूत ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और उनके बिना भारतीय टीम का संतुलन काफी ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रेगुलर गेंदबाज का कार्य कर दिया है, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को आउट कर दिया कि वह किसी से गेंदबाज से कम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। हार्दिक पांड्या ने दिखाया है कि उनके सामने किसी भी बल्लेबाज की नहीं चलेगी। उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपना सबसे बड़ा शिकार बनाया है। स्टीव स्मिथ इनके सामने बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। स्टीव स्मिथ इस सीरीज में दूसरी बार हार्दिक पांड्या का निशाना बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने उन खिलाड़ियों को आउट कर दिया जिनका टिकना भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती थी। यहां पर उन्होंने इनफॉर्मर बल्लेबाज मार्श को चारों खाने चित किया और उन्हें अर्धशतक लगाने से रोक दिया। लेकिन यहां पर उन्होंने दिखा दिया कि हार्दिक पांड्या किसी से कम नहीं है। हार्दिक पांड्या की खतरनाक गेंदबाजी मेरे अनुसार इस मुकाबले में मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।